हैदर अली, नुमान अंसारी, मुजीब उल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिखार आलम, अगर उद्दीन कुरैशी, ये वो नाम है जिनके निशाने पर कभी नरेंद्र मोदी थे। उस दिन कुछ बड़ा होने वाला था। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे और जमीन पर ये नौदोषी मोदी के लिए खतरनाक साजिश तैयार कर रहे थे। ठीक 8 साल बाद फैसला आया। जिस दिन साजिश की तारीख रची गई थी, ठीक उसी तारीख यानी 27 अक्टूबर सन 2021 को कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी साबित कर दिया और हम आपको उन्हीं के नाम गिना रहे थे जिनकी आंखों में मोदी कांटे की तरह चुभ रहे थे। घटना 27 अक्टूबर 2013 की है। बीजेपी के पटना के गांधी मैदान में हुकार रैली बुलाई गई थी। उससे भी खास ये कि इस रैली में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आने वाले थे। मोदी को सुनने के लिए रात से ही लोगों की भीड़ पटना में जुटने लगी। मंच तैयार था, भीड़ इंतजार कर रही थी। तभी सुबह करीब 9:30 बजे पटना में वो हुआ जिसका इंतजार किसी को नहीं था। एक तरफ गांधी मैदान में मोदी की रैली की तैयारी हो चुकी थी और मोदी आने वाले थे। दूसरी तरफ 27 अक्टूबर को पटना जंक्शन पर 12 बजे तक धमाके हो चुके थे। 12:32 पर पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे कि इधर गांधी मैदान और उसके आसपास 1:15 बजे तक कुल 7 धमाके हो चुके थे। इस बम धमाके में कुल 10 से ज्यादा आरोपी थे, जिसमें अब एक बरी हुआ है, बाकी 9 दोषी साबित हुए। ये कौन लोग हैं जो मोदी को नहीं देखना चाहते थे? इनके चेहरे और इनके चेहरों पर लगे मुखौटों को जानने के लिए आपको कोर्ट की रिपोर्ट को देखना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने पीएम मोदी को रैली स्थल पर जाने के लिए मना किया। उस वक्त के तत्कालीन पीएम उम्मीदवार मोदी गए और धमाके के बीच ही उन्होंने रैली को संबोधित भी किया। ये बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने। लेकिन सवाल बाकी है, आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी आंखों में मोदी कांटे की तरह चुभ रहे थे और वो मोदी को वक्त के पहले ही साइड क्यों करना चाहते थे? इस घटना को समझने के लिए अब आप विस्तार से सुनिए। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दुनिया जान चुकी थी कि मोदी की रैली में धमाका हुआ। इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस संभाला। 1 नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से केस दर्ज की गई। इसमें नाबालिग समेत कुल 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उनमें से एक की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। वहीं जुवेनाइल बोर्ड में नाबालिग आरोपित को पहले ही 3 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन पूछताछ के दौरान एनआईए के अधिकारियों को इन आतंकियों ने कुछ ऐसे जवाब दिए थे जिनको सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। इनके निशाने पर थे उस वक्त के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उस दौरान पुलिस ने इसे छोटा विस्फोट बताया था, लेकिन सच ये था कि धमाके में एक आतंकी का शरीर उड़ गया था। बताया जाता है कि मानव बम का इस्तेमाल पीएम उम्मीदवार रहे वर्तमान पीएम मोदी के वाहन को उड़ाने के लिए किया गया था। अब वाहन में पीएम मोदी बैठे होते या वाहन खाली उड़ाया जाता, इस बात का जिक्र हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनआईए ने कभी इस मसले पे कुछ बोला ही नहीं। लेकिन गलती से वो पटना जंक्शन के शौचालय में बम फट गया। इस धमाके में गांधी मैदान और पटना रेल थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसी केस को एनआईए को सौंप दिया गया और एनआईए की पूछताछ के बाद ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर को कोर्ट ने 8 को दोषी करार दिया। ये धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने कराए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच भी गंभीरता से करवाई गई। कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद इनकी संख्या भी बढ़ती गई। बिहार पुलिस के मुताबिक रैली के दिन शहर में अलग अलग जगह कुल 18 बम प्लांट किए गए थे। इनमें से 5 बम रेलवे स्टेशन परिसर में थे, जिसमें से एक फट गया और बाकी को निष्क्रिय किया गया था। पुलिस को रेलवे स्टेशन परिसर में 3 और बम मिले थे, लेकिन आतंकी भूल गए थे कि जिनके पास करोड़ों समर्थकों की दुआ हो वो इतनी आसानी से नहीं मिटता है। लेकिन मोदी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। तमाम वो लोग थे जिनके लिए मोदी निशाने पर थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ संभाल दिया और आसमान में मंडराते गिद्धों को कुछ भी मौका नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल टाइम्स।